हेलो फ्रेंड, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। देखिए फ्रेंड, रोज़ का फ्लावर कितना सुंदर और कितना बड़ा खिला है, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो अभी भी समय है फ्रेंड, हमने जितनी भी कटिंग्स जो है वो जो लगाई थी वो रेडी हो गई है, तो उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं तो अभी यही काम कर रही हूँ अपने गार्डन में, ढेर सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग मेरे गार्डन में चल रही है फ्रेंड। तो आज भी मैं आप लोग से दो प्लांट्स की रिपोर्टिंग का जो वीडियो है वो शेयर करूँगी, एक क्रोटन प्लांट और एक ट्रेसिना प्लांट की रिपोर्टिंग मैं करूँगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसी पॉट में ये जो छोटा सा ड्रेसिना का प्लांट है मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। मैंने इसमें नीचे सूखे हुए पत्ते भरकर ऊपर से मिट्टी डाल दी है और भी मिट्टी बनाकर मैंने रखी है, रेडी है। तो इसमें एक और प्लांट मैं लगाऊंगी, तो चलिए मैं उसे भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने रोज़ प्लांट के नीचे ही पॉट में एक ड्रेसिना की कटिंग लगाई थी और ये अच्छे से चल गई है फ्रेंड। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ इसमें से। देखिए फ्रेंड, मैंने प्लांट को अच्छे से जो है इसमें से निकाल लिया है। चलिए मैं इसे अब रिपोर्ट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पास ड्रेसिना की दो कटिंग हो गई है। इस पॉट में से भी मैं इसे निकाल लेती हूँ और ये कटिंग रोज प्लांट के पॉट में से निकाली है। तो दो प्लांट को लगाने से प्लांट जो है हमारा भूसी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो देखिए, इस पॉट में से मैंने ड्रेसिना के जो कटिंग थी उसे निकाल लिया है और मैं इसे इसी तरह से लगा दूँगी फ्रेंड। बस कुछ भी नहीं करना है, इसे इसी तरह से। और ये जो दूसरी वाली कटिंग है उसे भी मैं तो मैं इसमें अच्छे से मिट्टी डाल देती हूँ। अब हम इसमें मिट्टी से पूरा पॉट जो है वो फिल कर देते हैं अच्छे से। अब ये दो प्लांट हो गया और दोनों इस पॉट में अच्छे से ग्रो होंगे और प्लांट मेरा भूसी भी लगेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा। इसमें हम अच्छे से पानी दे देंगे और कुछ दिन के लिए इसे मैं शेडी एरिया में ही रखूँगी। प्लांट तो मेरे लगे हुए हैं, इसमें रूट भी है, बस ये थोड़ा सा अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा क्रोटन का प्लांट और इसमें मैंने तीन प्लांट को लगाए। ये क्रोटन का जो देखिए कितना बड़ा हो गया है, ये पहले से था और इसमें दो मैंने येल्लो डॉट जो क्रोटन होता है उसकी दो कटिंग लगाई थी, तो दोनों ही लग गई है। तो ये प्लांटर बहुत ही छोटा है, उसमें तीन तीन प्लांट लगे हैं। तो ये दोनों जो छोटे छोटे येलो डॉट की कटिंग है इसे मैं निकाल दूंगी। और देखिए, मैंने पॉट भी रेडी करके रखा है फ्रेंड और मिट्टी भी है, तो इसी में मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी, अच्छे से ग्रो होगा। तो देखिए फ्रेंड, दोनों प्लांट को जो मैंने अच्छे से निकाल लिया है और देखिए इसमें रूट जो है वो कितने अच्छे से बन गई है। और दोनों को मैं इसी में लगाऊंगी, इसी पॉट में। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया है। तो प्लांट्स जो हैं वो धीरे धीरे बहुत सारे कटिंग से रेडी हो गए हैं और गर्मी का मौसम भी आ रहा है, तो प्लांट को अच्छे से प्लांट ग्रो करेगा, इसके लिए मैं सभी प्लांट्स को अब धीरे धीरे करके रिपोर्ट करते जा रही हूँ फ्रेंड। तो इसमें मैं मिट्टी डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस प्लांटर में से बस इसमें अब रहने दूंगी, अच्छे से इसमें ग्रो होगा। इसमें थोड़ी मिट्टी और डाल दूंगी। तो इस प्लांटर में से मैंने ये दोनों क्रोटन प्लांट को निकाल कर इस पॉट में शिफ्ट कर दिया है फ्रेंड। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं, अभी अच्छे से इसमें ग्रो होंगे। और इसमें हम अब अच्छे से पानी डाल देते हैं। प्लांट की तो जड़ें बनी हुई है, तो प्लांट अच्छे से हमारा लग जाएगा। तो अभी भी टाइम है फ्रेंड, हमने जितनी भी कटिंग्स को रेडी किया है उसे अच्छा सपोर्ट दे देना चाहिए ताकि समर में वो अच्छे से ग्रो होंगे और उनमें पानी की कमी भी नहीं होगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपना क्रोटन प्लांट का एक सुंदर सा पॉट रेडी कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने दोनों पॉट में दो दो प्लांट, देखिए इसमें दो ड्रेसिना के प्लांट है और इसमें दो क्रोटन के प्लांट है। इस तरह मैंने दो पॉट में प्लांट जो है अपने लगा दिया, ड्रेसिना और क्रोटन की कटिंग को रिपोर्ट कर दिया है फ्रेंड। इस तरह मैंने अपने ढेर सारे कटिंग से लगाए प्लांट्स की रिपोर्टिंग अभी कर रही हूँ। धीरे धीरे बहुत सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग मैंने कर ली है और ये देखिए, मेरे फ्री के दो पॉट और भी रेडी हो गए हैं। ये जब ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा, तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये।
तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा ये रिपोर्टिंग का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड।